नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है होल स्क्वायर क्लासेस पर। मैं देव जलवानी आपके सामने एक डायनेमिक्स का लेक्चर लेके प्रस्तुत हूँ, जो कि हमारे बीएससी के थर्ड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी के लिए ये लेक्चर है। तो देखिए, सरल रेखीय गति की बात होती है, ये तीसरी यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, डायनेमिक्स की तीसरी यूनिट है, मतलब मैकेनिक्स की तीसरी यूनिट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंदर एक ये भी है सरल रेखीय गति। जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो उस पर क्या क्या कार्य करता है, अपन को पता है कि सरल रेखा में कार्य करता है अगर कोई, तो विस्थापन x होता है, वेग v होता है, ये केवल डिनोट कर रहा हूं मैं, बाकी सब काम करते हैं वहां पे, त्वरण f होता है, समय t होता है, तब कण गतिशील होता है, तो ये सारे चर काम करते हैं, ठीक है। अब सरल रेखीय गति के एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं, दूसरे नंबर का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी किसी भी घात, जो कि क्या है, घात एक से बड़ी या एक के समानुपाती हो, सिद्ध कीजिए कि कण इस बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो उसमें दिया हुआ है कि एक कण है, वो एक निश्चित बिंदु O मान लिया, उसकी तरफ गतिशील है, उस वेग से गतिशील है जो कि उसकी दूरी की घात के समानुपाती है, ठीक है ना। दूरी की किसी भी घात की घात क्या मान ली, अपन ने एन मान लेते हैं, एन मान ली घात मैंने, जो कि कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक के बराबर है या एक से बड़ी है, ठीक है। तो वो इस तरह गतिशील है, तो उसका वेग इसके समानुपाती है x की पावर n के, जैसे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे अपन एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अपन को पता है जैसे जैसे ये कण इसकी तरफ जा रहा है तो दूरी में कमी हो रही है, ठीक है, इसलिए माइनस से इसको डिनोट कर रहा है। अब v, v को क्या लिख सकते हैं अपन, v क्या होता है, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर, dx / dt, ठीक है, माइनस म्यू ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसके बाद, इनको अलग अलग कर लो, t वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, x वाले की एक तरफ कर लो, जैसे कि t को उधर भेजेंगे तो dt आ जाएगा और dx माइनस ऑफ म्यू x की पावर n, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर चल जाएगा, मैंने इसको इधर से लिख दिया पहले। अब क्या करेंगे देखो, उसके बाद समाकलन करेंगे, अब क्या करेंगे, समाकलन, जैसे समाकलन किया dt का कितना होगा t, ठीक है, इसका कितना होगा माइनस वन अपॉन म्यू, तो कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 1 अपॉन x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वही 1 अपॉन x से, मतलब x की पावर n का इस प्रकार, x की पावर माइनस n हो गया ऊपर जाके dx, इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करते हैं अपन, माइनस 1 अपॉन म्यू x की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ठीक है, t बराबर माइनस 1 अपॉन म्यू x की पावर माइनस n प्लस 1 1 माइनस n, इस माइनस को कैंसिल करना चाह रहे हो तो इधर कॉमन ले लो, माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब कॉन्स्टेंट भी आएगा, समाकलन नहीं था क्योंकि अपन इंडेफिनेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट भी आएगा, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस प्रकार होगा ये क्वेश्चन, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। कंडीशन क्या कहलाएंगे, देखो कंडीशन एक तो क्या दी हुई है अपन को कि जो n है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो पहले अपन क्या लेके देख लेते हैं, 1 के बराबर लेके देख लेते हैं, तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, देखो जब n क्या हो 1 से बड़ा हो, ठीक है। अब 1 यहां से बड़ा लेके देखो, तो सबसे पहले देखो क्या करो, इसको नीचे ले जाओ, एक्स वाले टर्म को, एक्स वाले टर्म को नीचे लेके जाएंगे अपन, तो वन अपॉन एन माइनस वन, और ये जो वन माइनस एन है वो क्या बनेगा, नीचे जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, एन माइनस वन बन जाएगा, कितना बन जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद प्लस यही चल रहा है अभी भी, ठीक है, कॉन्स्टेंट है ये वाली वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब अपन को क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु पर कण कभी भी नहीं पहुंचेगा, तो अपन एक काम करते हैं उसको पहुंचा के देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है, एक काम करते हैं पहुंचा के देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आप अगर पहुंचा दोगे तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो पर कण पहुंच जाएगा, तो जिस दिन यहां जीरो रख दिया अपन ने, ये जो टाइम है ये किसकी तरफ कन्वर्ट करने लग जाएगा,
इन्फिनिटिव की तरफ, इसकी तरफ इन्फिनिटिव की तरफ कन्वर्ट करने लग जाएगा ये वाला। तो अगर टाइम इन्फिनिटिव तक जा रहा है इसका मतलब कण कभी पहुंच पाएगा क्या? नहीं, अपन ने पहुंचा के देख लिया जीरो रख के, जब पहुंचा के देख लिया तो टाइम कहां जा रहा है? इन्फिनिटिव की तरफ, इसका मतलब कण कभी भी नहीं पहुंचेगा। जब अपन क्या ले रहे हैं, एन एक से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, एक से बड़ा लेने का मतलब ये है कि जिसे टर्म आपने यहां रखी एन एक से बड़ा है तो ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी पूरी। अब पॉजिटिव के अंदर अगर जीरो रख रहे हैं तो फिर क्या आएगा? टाइम इन्फिनिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोग जब एन एक से बड़ा लेंगे तो टाइम इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा, इसका मतलब इस कंडीशन पर कण कभी भी वहां नहीं पहुंचेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या लेंगे, जब एन क्या हो, एक के बराबर हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए केस सेकंड बात कर रहे हैं, n बराबर 1, तो v दिया हुआ था अपने पास माइनस यू एक्स एन। अब डायरेक्ट यहाँ n बराबर 1 रखूं, जैसे 1 रख दिया तो क्या जाएगा, माइनस म्यू ऑफ एक्स, v को क्या लिख दिया dx by dt, फिर वही अलग अलग लेके जाएंगे, dt इधर कर लिया dx इधर कर लिया, उसके बाद वही कहानी कि आपको वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन किया dt का कितना आ गया t, dx upon x का कितना होता है 1 upon x का कितना होता है इंटीग्रेशन log x, इस बार C, इसको C1 मान लो थोड़ी देर के लिए और ये C2 मान लो, ठीक है, दो कांस्टेंट मान ली। अब देखो वापस वही कहानी, इस कंडीशन पर भी कैसे पहुंचेंगे कि वापस वही कर दो कि x बराबर 0 रख दो एक बार और, कि एक बार और पहुंचा के देख लो इस केस पे। तो जैसे x बराबर 0 रखोगे माइनस 1 अपॉन म्यू लॉग 0 प्लस C2, अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव। लॉग के अंदर 0 हो या कोई नेगेटिव टर्म हो तो हमेशा इन्फिनिटिव होती है। जैसे ही आपने जीरो रखा तो ये टाइम किधर चला गया, इन्फिनिटिव की तरफ। इसका मतलब देखो जब एन एक से बड़ा है और एन एक के बराबर है, दोनों का टाइम कहां जा रहा है, इन्फिनिटिव की तरफ। इन्फिनिटिव की तरफ का मतलब है कि टाइम वो कभी आएगा ही नहीं, इन्फिनिटिव कोई संख्या थोड़ी होती है, वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो यही अपन को सिद्ध करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उधर से। तो देखो अब अगला टॉपिक है इस यूनिट में, समतल में कण की गति। समतल में कण की गति का मतलब समझते हो क्या? समतल का मतलब x और y, अब तक वो सरल रेखा में गति कर रहा था, अब समतल आ गया मतलब x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, अगर ध्रुवीय निर्देशांक ले लेंगे तो फिर r थीटा के रूप में भी होगा। तो उस समय उसका वेग और त्वरण अपन डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होगा, परिणामी वेग क्या होगा, परिणामी त्वरण क्या होगा, ठीक है। जैसे कि कोई कण है x अक्ष के समांतर गति कर रहा है, उसका वेग और त्वरण अगर अपन डिस्कस करें तो x अक्ष के समांतर वेग क्या होगा, dx by dt, उसका सिंपल अवकलन कर दो निकल जाएगा। y अक्ष के समांतर वेग dy by dt, ठीक है। इसी प्रकार त्वरण, सिमिलरली x अक्ष के समांतर त्वरण क्या होगा, d2x / dt2, उसके बाद y अक्ष के समांतर त्वरण क्या होगा, d2y / dt2, ठीक है। तो ये क्या होगा, समतल कण में गति है किसी कण की। अब परिणामी त्वरण की अपन बात करेंगे, परिणामी वेग की अपन बात करेंगे, इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो अब x अक्ष के समांतर वेग और त्वरण अपन देख चुके थे फॉर्मूला, अब परिणामी वेग देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। परिणामी वेग किस प्रकार निकालेंगे, देखिए v बराबर vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर दोनों को जोड़ के रूट में, ठीक है। परिणामी वेग निकल के आ जाएगा ये dx by dt square plus dy by dt का whole square, ठीक है। इसको x dot लिख सकते हैं आप, dx by dt को, dy dt को क्या लिख सकते हैं, y dot। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला हो गया v का। आगे देखते हैं परिणामी त्वरण किस प्रकार होता है, वही x अक्ष के समांतर वेग का त्वरण का स्क्वायर प्लस y अक्ष के समांतर त्वरण का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे, उस प्रकार ही आपके सामने जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा परिणामी त्वरण का। x डबल डॉट का मतलब वही है d2x dt स्क्वायर, ठीक है। ये x डॉट का मतलब आप समझते होंगे dx by dt, थीटा डॉट का मतलब इस प्रकार ही है, ठीक है ना। x डबल डॉट का मतलब दोबारा अवकलन, डिनोट करने का तरीका ये, ठीक है। वेग की दिशा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी, वेग की दिशा किस प्रकार निकालेंगे कि वेग जो परिणामी है वो x अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y dot upon x dot, y dot का मतलब वही है dy by dt और x dot का मतलब वही है dx by dt, ठीक है। त्वरण की दिशा ये वेग की दिशा हो गई,
त्वरण की दिशा भी ऐसे कैसे निकलेगी, बस वहां पर क्या होगा वाई डबल डॉट होगा और नीचे क्या होगा एक्स डबल डॉट, और ये टेन इनवर्स में लेके अपन निकाल लेंगे दिशा जाएगी। अपने एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अभी जो अपन ने फॉर्मूले देखे थे वो उसके बेस पे अपन एग्जांपल देख लेते हैं। दिया हुआ है क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 7 पे, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि x बराबर a cos t, y बराबर a sin t, उसका क्या क्या निकालना है, वेग, त्वरण और पथ, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है अपन को। वेग का मतलब केवल वेग दे रखा है, इसका मतलब क्या करेंगे, उसका पहले x अक्ष के समांतर देखेंगे, फिर y अक्ष के समांतर देखेंगे, परिणामी वेग का मैंने बताया क्या होता है, रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर, इस प्रकार त्वरण निकलेगा। पथ के लिए क्या करना पड़ेगा वो प्रोसेस अलग है, उसको अलग समझते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो क्या करें, x अक्ष के समांतर वेग देख लेते हैं अपन, तो x अक्ष के समांतर वेग dx / dt होगा, इसको vx मान लेते हैं अपन, dx / dt x का t के सापेक्ष अवकलन करो, माइनस है sin t, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो। अब y x के समांतर वेग dy by dt, ठीक है, इसको vy ले लो, dy by dt y का t के सापेक्ष करो कितना आया, vy बराबर कितना आया था a cos t, परिणामी वेग क्या होगा, सूत्र पढ़ा था अभी, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये सब चीजें रूट में चल रही है, ठीक है, v बराबर वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स कितना है माइनस है साइन टी, उसका स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसके बाद वी वाई का स्क्वायर का मतलब ए कोस टी का स्क्वायर जो कितना होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ठीक है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ठीक है, जिस दिन ये बाहर आएगा ए के रूप में आएगा, ये क्या चल रहा है साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी वन होता है, तो v बराबर कितना आ गया अपने पास a आ गया, तो परिणामी वेग कितना आया सर v आया। इसी प्रकार क्या करेंगे, त्वरण फॉर्म राइट करेंगे अपन, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, अब देखो वेग निकाल चुके हैं, अब परिणामी त्वरण निकालेंगे, त्वरण का फॉर्मूला वही होता है m बराबर क्या परिणामी का x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, x डबल डॉट का मतलब d2 x dt स्क्वायर, y डबल डॉट का मतलब d2 y dt स्क्वायर, ठीक है, अब तो d2 x dt स्क्वायर कितना होगा, इसका एक बार और t के सापेक्ष करो कितना आएगा माइनस के a sin t, इसका करो सॉरी dx dt का कर रहे हैं ना वापस, क्योंकि अपन को त्वरण निकालना है, तो इसका करो किसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा माइनस के a cos t, ठीक है, उसी प्रकार देखो d2y dt स्क्वायर, इसका t के सापेक्ष करो कितना आएगा माइनस के a sin t, ठीक है, ये वैल्यू जो है यहां पुट कर दो परिणाम ही निकल के आ जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ए स्क्वायर वेव बाहर लेंगे अपन, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी चल रहा है बाहर, उसी प्रकार ए बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपन, तो त्वरण भी कितना आ गया ए आ गया, ठीक है, त्वरण भी ए आ गया। अब तीसरी चीज क्या निकालनी थी अपन को, पथ, क्या निकालनी थी पथ, देखो पथ के लिए क्या होता है, ये जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं ना आपको प्राचल जिसे बोलते हैं, इनको विलोप करना है, इनको विलोप कर देंगे तो क्या आ जाएगा पता आ जाएगा, विलोप करने की कंडीशन क्या होगी, जैसे कि इसको अपन ने क्या माना था पहले, समीकरण एक मान लिया था और इसको समीकरण दो, तो क्या करेंगे अपन उसके लिए पथ निकालने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे प्राचल गायब हो जाए, तो क्या करें देखो समीकरण एक और दो को स्क्वायर करके जोड़ दो, जैसा ही ऐसा करेंगे आप लोग तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये वैल्यू वन होती है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अपन अच्छी तरीके से पता है कि ये वाली जो समीकरण होती है वो वृत्त की समीकरण होती है, इसका मतलब पद कैसा होगा वृत्ताकार होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जो भी मैंने एग्जांपल करवाया केवल वो आपको समझाने के लिए था कि जो फॉर्मूले थे उनको कैसे यूज करना है। तो एक सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, समांतर वेग निकाल के, त्वरण निकाल के, किस प्रकार आप पथ निकालेंगे बाद में, ये चीज भी अपन ने डिस्कस कर ली है। अब देखिए कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एग्जांपल नंबर फोर्थ वाला जो कि पेज नंबर 9 पे है, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई अक्ष की दिशा में क्रियाशील है। क्या कह रहा है कि लैम्डा वाई त्वरण करने वाला बल कहां पर है, किसकी तरफ गतिशील है, y x की दिशा में। इसका मतलब y x की दिशा में, तो x x की दिशा में क्या होगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, y x की दिशा में क्रियाशील है, x x की दिशा में अपने आप जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो y के हिसाब से देख लेते हैं, y x की दिशा में क्रियाशील कौन सा है, लैम्डा y। ठीक है, तो d2y dt स्क्वायर लैम्डा y, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, अपन को मान के चलना है कि दूसरे वाली जो है d2x dt स्क्वायर वो क्या है, जीरो हो जाएगा क्योंकि x अक्ष की दिशा में क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज क्या क्या बोल रहा है वो, कि x अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y बराबर a हो वहां a रूट लैम्डा वेग से फेंक रहे हो उसको, यानी कि उसका वेग है y बराबर a पर। अब वो क्या, देखो x अक्ष के समांतर है वो, ठीक है, dy dt नहीं है वहां पे, यहां पर अलग चीज है, यहां पर y अक्ष के समांतर त्वरण काम कर रहा है, वहां पर क्या काम कर रहा है, x अक्ष के समांतर वेग काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखो ये जो दो इक्वेशन दे रखी है ना, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करो, समीकरण दो का समाकलन करो एक बार, समीकरण दो का समाकलन करने पर इसका समाकलन करो, कितना आएगा इसका dx by dt, और इसका कांस्टेंट क्या आएगा, इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे आएगा, देखो जीरो का अवकलन करने पर क्या आता है, जीरो का अवकलन नहीं, कांस्टेंट का अवकलन करने पर क्या आता है, जीरो। यानी कि कोई चीज समाकलन कब होती है, जब उसका अवकलन करने पर वो चीज मिलती है, जैसे कि dx by dt का अवकलन करते हैं तो अपन को मिल जाता है, उसी प्रकार जीरो का समाकलन क्या होगा, C, क्योंकि C का डेरिवेटिव करने पर जीरो आता है, ये चीज आपको पहले से पता होगी। ठीक है, अब देखो dx by dt आ गया C, इसका समाकलन करने के बाद आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ये चीज अपन को dx by dt कह रखा है कि x अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y बराबर a हो a रूट लैम्डा वेग से फेंक रहा है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dx by dt बराबर a रूट लैम्डा दिया हुआ है उसके अंदर, जहां क्या है y बराबर a है, सही है यहां तक, दिख गया यहां तक ये चीज। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं इनको, इसको उधर भेज दो, ठीक हो डी टी डी एक्स ए अपॉन रूट लैम्डा, सही है, फिर वापस समाकलन करो एक बार, टी आया इसका कितना आएगा, एक्स ए रूट लैम्डा प्लस कोई सा भी कॉन्स्टेंट सी वन मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब देखो क्या हो रहा है, t बराबर जीरो पर x बराबर क्या है, t बराबर जीरो पर देखो यहां पर कहां गया, y बराबर a, t बराबर जीरो पर तो y बराबर a है, लेकिन x बराबर क्या होगा, x बराबर जीरो होगा, जैसे आप x बराबर जीरो रखोगे और t बराबर भी जीरो रखोगे तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या जाएगी, यहां लिख देना एक बार, t बराबर जीरो पर x बराबर जीरो, तो कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, सी वन की वैल्यू, सी वन की वैल्यू जीरो आ गई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहां से एक्स बराबर ए रूट लैम्डा, ये किसकी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आगे जाके काम आने वाली है इसको, इसलिए इसको इक्वेशन दे दो, अगर अपन ने नहीं दे रखी है तो, दो दे रखी है अपन ने, तीसरी दे दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
आगे देखिए समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या दिया हुआ है, डी टू वाई डी टी स्क्वायर बराबर लेमडा वाई। अब क्या करेंगे, वापस समाकलन करेंगे, तो समाकलन ऐसे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साथ में, तो इसे एक काम करो इसको टू डी वाई डी टी से गुणा कर दो दोनों तरफ, क्या करो गुणा करो उसको टू डी वाई डी टी से, इसका समाकलन आसान बनाने के लिए कर रहे हैं अपने सब, ठीक है, क्योंकि इधर जीरो नहीं है ना इस बार, इसलिए करना पड़ रहा है ये सब। फिर यहां देखो टू डी वाई डी टी डी टू वाई डी टी स्क्वायर, और इधर करेंगे तो टू वाई डी वाई बाई डी टी, ये लैम्डा इधर है इसे। अब समाकलन कर दो इसका, जैसे समाकलन करेंगे इसका क्या जाएगा डी वाई डी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका उपलब्ध करने पर यह आ जाएगा वापस देखो टू डी वाई बाई डी टी डी टू वाई डी टी स्क्वायर, इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी टी लैम्डा ऐसा कैसा, और एक कौन सा क्वेश्चन कॉन्स्टेंट रेलवे बी ले लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास वाई स्क्वायर लैम्डा प्लस बीटा बी मान लो उसको, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले देखो क्या होगा। अब एक चीज देखो, जब वाई बराबर ए है ना, जब वाई बराबर ए है तो एक्स अक्ष के समांतर वेग काम कर रहा है ए रूट लैम्डा, तो इस हिसाब से डी वाई डी टी तो जीरो होगा उस टाइम पे, कब होगा ये वाई बराबर ए पर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को एक्स अक्ष के समांतर ही काम कर रहा है उस टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली वाई वाला जीरो हो गया, और उस कंडीशन भी दे रखी है कि वाई बराबर ए, तो यहां पर डी वाई डी टी जीरो रखो, यहां क्या रखेंगे वाई बराबर ए रखेंगे ए स्क्वायर लैम्डा प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, कितनी आ गई माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, ये याद रख दो वैल्यू, तो डी यू बाई डी टी का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डी ओ बाई डी टी लैम्डा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी रूट लैम्डा में चल रहेगा, रूट ले लिया मैंने इसका, ठीक है, डी ओ बाई डी टी ले लिया रूट लैम्डा ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे देखो, इसके बाद वापस समाकलन करेंगे अपन, क्या करेंगे समाकलन करेंगे अपन वापस, समाकलन किस प्रकार करेंगे देखो, t को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ कर लो, डी वाई रूट लैम्डा रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या करना है अपन को समाकलन करना है, वापस समाकलन करो, dt का समाकलन क्या होगा t होगा, इसका समाकलन याद है क्या अपन को ये वाला समाकलन, इधर देखो इसका समाकलन क्या होता है जब इस प्रकार को होती है तो क्या होता है इसका समाकलन, अभी डायरेक्टली याद रख लो, इसका समाकलन होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन है, हाइपरबोलिक वही है अतिप्रमेय वाला, अपन नॉर्मल जो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं वो वृत्ताकार पढ़ते हैं, लेकिन जब अतिप्रमेय पर अगर कोस ट्रेवल करेगा तो इस प्रकार की बनते हैं इक्वेशन, ये उसका इनवर्स वाला है, तो ये इसका डायरेक्ट समाकलन होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये वाला, तो उस हिसाब से इसका कितना हो गया सर कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए, ठीक है, और साथ में कॉन्स्टेंट कोई सा भी सी मान लो, आगे यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे अपनी वही पुरानी कहानी, सी की वैल्यू निकालनी है वापस, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, सी की वैल्यू निकालनी है तो वाई बराबर ए रख दो, वाई बराबर ए रख देते हैं, y बराबर जैसे a रखा आपने t बराबर 0 पर y बराबर a है, पहले t बराबर 0 पर y बराबर a रखा, इसका मतलब ये 0 1 अपॉन रूट लैम्डा cos हाइपरबोलिक इनवर्स a अपॉन a प्लस c 0 बराबर 1 अपॉन रूट लैम्डा, ये हो गया cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1, प्लस c, ठीक है, एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वन आया था, तो कोस में अगर वन आता है तो कौन से ऊपर जीरो होता है वो हाइपरबोलिक, और वृत्तीय फलनों में दोनों पर कोस वन की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है, ठीक है, कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इनवर्स में जाके क्या होगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वन या कोस इनवर्स वन दोनों की वैल्यू क्या होती है जीरो, उस हिसाब से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, जब अपन उस इंटीग्रेशन में इसको रखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन रूट लैम्डा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स
वाई अपॉन है। अब देखो ये टी कहां काम आने वाला है अपन को, समीकरण तीन में जो अपन निकाले थे ना स्टार्टिंग में, वो यहाँ काम आएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ रख दो, एक्स बराबर एक्स अपॉन रूट लैम्डा बराबर वन अपॉन रूट लैम्डा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए, रूट लैम्डा से रूट लैम्डा कैंसिल, ठीक है, एक्स बराबर ए कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए, यागी इक्वेशन इसको इधर भेजो, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन ए इधर जाएगा तो x अपॉन ए, इसको उधर भेजो y अपॉन ए कितना बन जाएगा, अब ये इनवर्स है इधर जाके क्या बन जाएगा, वो सिंपल बन जाएगा। फिर y बराबर a को इधर भेज दो, ये जो इक्वेशन आ गया आपके पास यही कैटेनरी की समीकरण है, ये पढ़ चुके हैं अपन पहले पिछली क्लासों में, इस तरह से दिखती है कैटेनरी की समीकरण। अगर आप इनवर्स में लिखना चाहते हो तो इसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स में, और बिना इनवर्स के लिखना चाहते हो सिंबल वाला इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। तो कैटेनरी की समीकरण आ गई है, एसएस ले ले आप, देखो अब अपन बात करेंगे कि जब कोई पार्टिकल किसी वक्र के अनुदिश किसी तल में गति करता है तो किस प्रकार क्या होता है उसके साथ, किस तरह से वेग परिवर्तन होता है, किस तरह से त्वरण होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन मानते हैं कि एक कर्व ये वाला, ठीक है, और ये प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा, और ये वाली जो रेखा है ये ध्रुवांतर रेखा कहलाती है आपकी, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी क्षण ये कण टी समय पर, मान लेते हैं अपन P समय पर P बिंदु पर है और उसकी स्थिति है r थीटा, r थीटा का मतलब क्या है, ये कौन थीटा और ये वाली चीज r, ठीक है, ये r थीटा है। डेल्टी समय अंतराल पश्चात, डेल्टी समय अंतराल पर कण कहां आ गया, Q बिंदु पर आ गया, Q बिंदु पर आते ही सर ये दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, डेल r हो गई, और ये वाला कोण क्या हो गया, थीटा प्लस डेल थीटा हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि इस समय अपन को वेग और त्वरण डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए कोई चीज ऐसे करके यू मूवमेंट कर रही है आपकी, तो इसका मतलब है कि पहले एक तो त्रिज्या दिशा में वेग काम कर रहा होगा, और फिर दूसरा कौन सा काम कर रहा होगा, उसके अनुप्रस्थ दिशा में काम कर रहा होगा, दोनों दिशाओं में काम कर रहा है तभी तो घूम पा रही है चीज, तभी तो उसकी मोशन हो पा रही है। तो ये वेग बताने अपन को, वेग और त्वरण किस प्रकार बताएंगे, वेग किस प्रकार बताते हैं अपन, वेग किस प्रकार बताते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर से बताते हैं, और त्वरण किस प्रकार बताते हैं, वेग में परिवर्तन की दर से बताते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रारंभिक ये वाला वेग कितना कितना था त्रिज्या दिशा में, फिर उसके बाद दे रहे अनुप्रस्थ दिशा में कितना था, ठीक है, तो उस हिसाब से वेग होगा त्वरण होगा, एक तो त्रिज्या दिशा में और एक अनुप्रस्थ दिशा में। तो इसके सूत्र देखते हैं अपन डायरेक्ट, अरे वेग त्रिज्या दिशा में जो वेग होगा उसका फॉर्मूला होता है dr by dt, इसको r dot भी बोलते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ वेग यानी कि लंबवत वेग वो कितना होगा r d theta by dt r theta dot, ठीक है यहां तक। उसके बाद देखो अरे त्वरण रेडियल एक्सिलरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये कितना होगा सर डी टू आर डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं अपन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आपके क्या होता है अरे त्वरण होता है सर फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद बात करें अनुप्रस्थ त्वरण की, अनुप्रस्थ त्वरण किस प्रकार होगा, देखो अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्सियल, तो आर टी ले लेते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर डिवाइड डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो आप लोग आर टी बराबर वन अपॉन आर डिवाइड डी टी आर स्क्वायर थीटा डैश, ये डायरेक्टली फॉर्म में आपको याद रखने और फिर फाइंड आउट करने, ठीक है।
एसएस ले लीजिए आप इसका। तो देखिए उससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवें नंबर का एग्जांपल नंबर सात है ये। कौन से पेज नंबर पे है सर? ये 20वें पेज नंबर पे, 20 पेज नंबर पे। इसमें कह रखा है कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। ये a त्रिज्या का कोई वृत्त है, इस पर कोई कण गतिमान है v वेग से, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि इसके आरईएम अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः क्या है, माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा और माइनस वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ये इसके अपन को क्या करने है, सिद्ध करने है। तो देखो यहां तक सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन इसका, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या चीज समझनी है कि मान लेते हैं कि पी बिंदु पर है किसी समय कोई कण वृत्त के अकॉर्डिंग कर रहा है गति, तो आर थीटा है। अब वो क्या कह रहा है कि व्यास को तो क्या मानो, प्रारंभिक रेखा मानो, और व्यास के एक सिरे को क्या मानो, ध्रुव मानो। तो इस प्रकार ध्रुवांतर हो गया, ये ध्रुवांतर रेखा, ये प्रारंभिक रेखा, ये थीटा, ये आर, ये आर थीटा हो गया, ठीक है। और इस पर कोई वेग काम कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो त्रिज्या दिशा में काम करता है रेडियल में, और एक अनुप्रस्थ दिशा में काम करता है, ठीक है। ये दोनों वेग काम कर रहे हैं ऊपर, इनके घटक निकालने हैं बल को। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि ए हो, क्या होगा ए है, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इसको मिला रहा हूं ओ और पी को। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, दोनों त्रिज्या है। अब देखो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओपी, क्योंकि क्या है त्रिज्या है रेडियस वृत्त की, इसलिए बराबर होगी, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, तो मतलब ये भी थीटा हो गया एक तरीके से, हो गया थीटा वाला। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए घटक निकालेंगे अपन अब कि कहां कहां क्या क्या काम कर रहा है। अब देखो ये वाला कोण और इसके बीच में 90 डिग्री है ये वाला, और ये त्रिज्या पर अपन एक लंब डाला है, त्रिज्यीय लंब में ना इस प्रकार का, ये वाला कोण पूरा 90 हो गया, ये थीटा आ गया इसके अंदर, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, जो त्रिज्या के साथ ध्रुवांतर के साथ जो कोण बनाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस चीज को वापस समझ लो कि पहले तो त्रिज्या बराबर है इसलिए उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, इसलिए ये वाला कोण भी बराबर हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो अब ये क्या है कि लंबवत है, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90 पहले ही है, रेडियल और ट्रांसवर्स वाला उसका अलग कॉन्सेप्ट हुआ अलग है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 90 माइनस थीटा, अब घटक निकालेंगे अपन, वेग भी काम कर रहा है, अब ये वृत्त के अकॉर्डिंग घूम रहा है ना, तो इसका मतलब कि इधर काम करेगा आपका वो त्वरण, वेग, वेग किस दिशा में काम करेगा तभी तो वृत्त बन पाएगा, अगर उस दिशा में काम करेगा तो फिर वृत्ताकार पथ थोड़ी बनेगा, इसलिए इस दिशा में एक घटक आएगा इसका और एक इधर आएगा उसके लंबवत दिशा में। तो देखिए अपन ने वो आपको पता होगा कि कोई अगर एफ है, थीटा कोण बना रहा है, तो ये वाला घटक क्या होता है, एफ कोस थीटा, जो भुजा के साथ बनता है, और इसका लंबवत क्या होता है, एफ साइन थीटा। ये होते हैं इनके घटक इस दिशा में, जिसके साथ कोण बन रहा है उसके साथ क्या लेते हैं अपन, कोस थीटा लेते हैं ना। अब यहां पर देखो वी ले रहे हैं अपन, ये वाली भुजा ले रहे हैं, कोण कौन सा काम आ रहा है, 90 माइनस थीटा काम आ रहा है। इसका मतलब इसका घटक क्या होगा, ये वाला घटक कितना होगा सर, और ये वाला घटक क्या है, वेग का ये वाला घटक क्या है, अरे वेगी तो है, अरे वेग बराबर वी, वी। अब क्या लेंगे अपन, भुजा के साथ बन रहा है ये वाला कोण, इसके साथ क्या लेते हैं अपन, कोस थीटा, तो इसको लो कोस के साथ लो एक बार 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि कोण 90 माइनस थीटा बन रहा है वहां पे। इसके बाद इसको माइनस में भी लेंगे अपन, क्योंकि इस दिशा में क्रियाशील है इस तरफ, ठीक है। तो अरे वेग क्या होता है, dr by dt माइनस के v cos 90 माइनस थीटा का सूत्र sin थीटा, तो अपने पास अरे वेग आ गया, ठीक है। इसका लंबवत, लंबवत कितना होगा सर, v लंबवत किस निकाल रहे, sin से, sin 90 माइनस थीटा, जो कि कितना आएगा, r dt by dt, यानी कि इसका अनुप्रस्थ कितना जाएगा, v sin 90 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा, मतलब अपने पास आ गया अरे वेग
और क्या आ गया, अनुप्रस्थ वेग भी आ गया, वी कोस थीटा, और ये आ गया एरिया वेग। ठीक है, एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बताता हूं मैं आपको। देखिए बार ये त्वरण निकालना है अपन को, उसका फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं आपको पहले, डी टू आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी टू आर डी टी स्क्वायर चाहिए अपन को, डी आर बाई डी टी कितना है माइनस की वी साइन थीटा, तो डी टू आर डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, इसका उकलन करो, माइनस की वी साइन थीटा, इसका कितना होगा कोस थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, थीटा का क्या होगा थीटा डैश, थीटा डैश का मतलब डी टी थीटा बाई डी टी। माइनस की वी कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब देखो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहां से रखो, ठीक है, यहां से रखेंगे तो कितनी आएगी सर, वी कोस थीटा अपॉन आर माइनस की वी कोस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वी कोस थीटा अपॉन आर। तो इसका मतलब डी टू आर डी टी स्क्वायर कितना आ गया माइनस के वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया आपके पास डी टू आर डी टी स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालेंगे, आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो सीधी सीधी फॉर्मूला में अपन पुट कर देंगे क्योंकि दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो यहां पे अरिय त्वरण, उसको एफ आर लिख रहे हैं, डी टू आर डी टी स्क्वायर की जगह ये चीज माइनस के वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी टी, यहां से कितना है वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, उसका स्क्वायर रहा तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो देखो ये कितना हो गया एफ आर बराबर ये एक वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और एक ये वाला रहा तो कितना हो गया टोटल माइनस के टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, टू हो गया। अब देखो आर की जगह क्या पुट करना है, वृत्त का ध्रुवीय समीकरण की सूत्र बताएगा अपन को, वृत्त का ध्रुवीय समीकरण जो होता है वो क्या होता है सर, आर बराबर टू ए कोस थीटा होता है, डायरेक्टली याद रखना है अपन को, ये यहां पुट कर देना है अपन को, एफ आर बराबर माइनस के टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे टू ए कोस थीटा, टू से टू कैंसिल, ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो एफ आर कितना जाएगा माइनस के वी स्क्वायर ए कोस थीटा, ये आपका क्या जाएगा अरिय त्वरण। ऐसा ले लें आप एक बार। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट जो है अनुप्रस्थ त्वरण भी निकालना है अपन को। ठीक है, इसका वाला ये वाला फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर डी बाई टी आर स्क्वायर थीटा डैश। तो देखो वन अपॉन आर डी बाई टी आर स्क्वायर थीटा डैश की वैल्यू कितनी है, थीटा डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, वी कोस थीटा अपॉन आर, कितनी निकाली थी वी कोस थीटा अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, वी बार ले लो आप कॉन्स्टेंट है वो, और कितना बच गया सर आर कोस थीटा, इसका उगलन अपन करना जानते हैं यू डॉट वी से, वी अपॉन आर, पहले आर का कर लो डी आर बाई डी टी कोस थीटा कैसे कैसे, फिर क्या करो कोस थीटा का करो माइनस के साइन थीटा, और इससे कितना थीटा डैश, और आर ऐसा कैसा, ठीक है वी अपॉन आर डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी है फाइंड आउट कर रखी है अपन ने पहले, माइनस वी साइन थीटा से इसकी वैल्यू, माइनस की वी साइन थीटा ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है थीटा डैश, थीटा डैश की वैल्यू वापस वी कोस थीटा अपॉन आर, और एक आर गया है साथ में गुणा हो रहा है, ठीक है इससे ये कैंसिल, तो ये भी वही कहानी होगी क्या वी अपॉन आर माइनस के टू वी साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो वी अपॉन आर माइनस के टू वी साइन थीटा कोस थीटा,
ये भाग लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू यहाँ देखो, टू ए कोस थीटा कोई वृत्त का ध्रुवीय समीकरण लिखना है वापस, माइनस के टू वी साइन थीटा कोस थीटा, दो से दो कैंसिल, ये भी ले लिया इधर पे लेना, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया सर माइनस की बी स्क्वायर है साइन थीटा। ये क्या है अनुप्रस्थ त्वरण, जो कि अपन को क्या करना था प्रूव करना था। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितना आया माइनस के बी स्क्वायर ए कोस थीटा, और जो ट्रांसवर्स वाला है अनुप्रस्थ वाला वो कितना आया माइनस बी स्क्वायर ए साइन थीटा। केवल फॉर्मूला लगाना है और प्रूव करना है बस, इतना सा करना है ठीक है। और उसके अंदर कॉन्सेप्ट कैसा था कि वृत्ताकार पर गमन कर रहा है तो इधर वाला इस दिशा में ध्रुव की तरफ ही काम करेगा और ये वेग ठीक है। तो आप इसका ऐसे ले लीजिए, देखो इस यूनिट का जो अगला टॉपिक है वो है कि स्पर्श रेखीय वेग त्वरण अभिलंबित वेग त्वरण ठीक है। स्पर्श रेखीय वेग का मतलब क्या होता है कि समतल में कण की गति की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि निर्देशांक भी होके अपन को किस प्रकार बता रहा है वो कि एक तो चाप का ले लिया उसने कि चाप ऐसे और वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है साइन वक्र ठीक है। किसी बिंदु की समय पर वो क्या है कि एस साइन स्थिति पर है, मतलब इसका एक्स की दिशा में कितना कोण है साइन वाला है ठीक है। और जब वो क्यू पर आता है तो डेल एस दूरी करके एस प्लस डेल एस उसकी दूरी हो जाती है, साथ में एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन जाता है उसका साइन प्लस डेल साइन। अब वो क्या कह रहा है कि इनका वेग क्या है स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबित वेग। स्पर्श रेखा का मतलब ये जो स्पर्श रेखा बनी हुई इसका वेग कितना है, तभी तो घूम पा रहा है वो, वही ट्रेवल वाली कहानी है इसके अंदर भी। लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि वो साइन एस और साइन में पूछ रहा है अपन को, तो उस हिसाब से तुमको वेग फाइंड आउट करना है उसके लंबवत, और वही एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रिज्या वाला स्पर्श रेखीय वेग है ठीक है। इसके फॉर्मूले अपन को डायरेक्टली याद रखना है, जब एस साइन के रूप में हो चीजें देखो किस प्रकार होगा। सबसे पहले देखो स्पर्श रेखीय वेग इसका फॉर्मूला कितना होता है ds by dt, सीधा कर्व का क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन कर दो तो आपके पास क्या जाएगा स्पर्श रेखीय वेग ठीक है। अभिलंबित वेग डायरेक्टली याद रखो जीरो, कितना जीरो। स्पर्श रेखीय वेग तो ये है ds by dt और अभिलंबित वेग कितना है जीरो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने हैं आपने और इन्हीं को पुट रखे डायरेक्ट काम करना है। फिर देखो स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा सर, ये होगा डीवी बाई डी टी, वी कितना है डीएस बाई डी टी, एक नहीं है टी कितना हो गया डी टू एस डी टी स्क्वायर हो गया क्या। तो ये त्वरण का फॉर्मूला हो गया ये वाला ठीक है, एक त्वरण का डायरेक्ट हो रहे बी डीवी बाई डी एस, ये तीनों इंपोर्टेंट फॉर्मूले किसके स्पर्श रेखीय त्वरण के, डायरेक्टली याद रखना है आपको। और स्पर्श रेखीय को बोलते हैं टेंजेंट वाला, तो अपन मान सकते हैं कि एफ टेंजेंटियन वाला कितना हो जाएगा, एक तो देखो ये वाला डीवी बाई डी टी किसका फॉर्मूला है, तो एक कितना है डी टू एस डी टी टी स्क्वायर और वी डीवी डी एस, ये तीनों के इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको डायरेक्टली याद रखना है स्पर्श रेखीय त्वरण के। एसएस ले लें आप एक बार, देखिए उसके बाद एक फॉर्मूला और है अभिलंबित त्वरण वी स्क्वायर अपॉन डेल्टा ठीक है, वाई स्क्वायर डेल बोल सकते हैं इसको, ये होती है वक्रता त्रिज्या ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन वक्रता त्रिज्या क्या होगी आपकी अभिलंबित त्वरण की डेफिनेशन होगी। और इसको कैसे निकालते हैं डीएस अपॉन डी साई, एस का किसके सापेक्ष अवकलन कर दो आप साई के सापेक्ष, तो क्या निकल के आ जाएगी आपके पास वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका, मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल नंबर 6 जो कि किस पे है
पेज नंबर 31 पे, एग्जांपल नंबर 6 इससे रिलेटेड है वो, देखिए किस प्रकार करेंगे इसको। एक कण एक केटनरी s बराबर c tan psi में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श m अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर जहां y psi बराबर 0 हो, वेग u हो, तो किसी अन्य बिंदु पर सिद्ध कीजिए। पहला वाला है कि वेलोसिटी u बराबर e की पावर b, ये b नहीं है, psi आएगा यहां पे, ठीक है ना। फिर एक्सेलरेशन वाला है, वो वाली टर्म सिद्ध करनी है अपन को। तो पहले तो क्या करना है अपन को, एक तो वेलोसिटी सिद्ध करनी है v बराबर u e की पावर psi, b नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद त्वरण एक्सेलरेशन जो है वो बताना है अपन को कितना, रूट टू अपॉन सी यू स्क्वायर ई की पावर टू साइन और कोस स्क्वायर साइन, ये बताना है अपन को, ठीक है। आप देखो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, की पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, कि किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श एवं अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। इसका मतलब समान कोण बनाने का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा का त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। समान कोण बनाने का मतलब वही है, तो इसका मतलब क्या है कि सर स्पर्श रेखा त्वरण बराबर है किसके, अभिलंबिक त्वरण के, है यहां पे, ठीक है। अब स्पर्श रेखा त्वरण का अभी मैंने डेफिनेशन वो फॉर्मूला बताया आपको क्या होता है, v dv by ds, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा इसके अंदर। और अभिलंबित त्वरण का कौन सा आएगा, v स्क्वायर अपॉन वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब देखो यहां से एक v से तो v कैंसिल, तो dv बच गया इधर, इधर ds और इधर क्या v अपॉन psi, psi मैंने आपको लिखाया, साइन क्या लिखाया था मैंने आपको, सॉरी वक्रता त्रिज्या क्या लिखाई थी मैंने आपको, ds अपॉन डी साइन, ठीक है, डी एस अपॉन डी साइन लिखाई थी मैंने आपको, बुक करते त्रिज्या, उस हिसाब से वन अपॉन रो कितना हो जाएगा, वी डी साइन अपॉन डी एस, डी एस से डी एस कैंसिल, डी वी वी डी साइन, ठीक है। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, डी वी को साइन की तरफ पकड़ के काम करो और डीवी उधर ले जाओ। अब क्या करना है, समाकलन कर देते हैं, समाकलन किया साइन डी साइन का कितना हो गया साइन, इसका कितना हुआ लॉग सी, ठीक है। और एक कोई साइन कॉन्स्टेंट लेते हैं, पर ए समाकलन ये था, उसके बाद क्या करना है, ये भी होगा यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन और दे रखी है उसने, जब साइन बराबर जीरो हो तो वेग यू होगा, इसका मतलब है कि अपनको कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए साइन बराबर जीरो पर क्या रखना पड़ेगा, v बराबर u रखना पड़ेगा। जैसे आप ऐसा करोगे तो ये तो जीरो हो गया, ये u हो गया प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के लो u, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। कॉन्स्टेंट की वैल्यू कहां लिखेंगे अपन, समाकलन में, जैसे a की वैल्यू यहां रखेंगे अपन, तो साइन बराबर कितना आ जाएगा, लॉग v माइनस लॉग u, ठीक है। ये साइन हो गया, ये log a माइनस log b लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, log v अपॉन u, ठीक है। ये इधर जाएगा तो e की पावर साइन बन जाएगा, यानी कि v अपॉन u कितना बन जाएगा, e की पावर साइन, तो v कितना बन जाएगा, u e की पावर साइन। ये पहला तो अपन प्रूव कर चुके हैं, ले लीजिए ऐसे साहब इसका। तो इसका अगला वाला टर्म है कि अपन को एक्सेलरेशन प्रूव करना है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, अभिलंबित त्वरण, ये पूरा त्वरण मान रहा हूं मैं, कितना, एक तो अभिलंबित त्वरण का स्क्वायर प्लस स्पर्श रेखा त्वरण का स्क्वायर, ये पूरी चीजें रूट में, ठीक है। सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं फिर, देखो क्या होगा, अपन को बोल रहा है वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तब अपन ने क्या
क्या लिखा है इसका परिणामी त्वरण निकाल लिया, परिणामी त्वरण ऐसे निकलेगा स्पर्शरेखीय और अभिलंबित त्वरण। अब अपन को पता है कि दोनों बराबर ही है, दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, अभिलंबित त्वरण की जगह v स्क्वायर अपॉन साइन, स्पर्शरेखीय भी वही है तो ये भी v स्क्वायर अपॉन साइन हो गया, रूट में चल गई सारी चीजें, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2v स्क्वायर अपॉन साइन रूट में, जैसे रूट से बाहर लेंगे तो रूट दो v और कितना हो जाएगा साइन, ये भी रूट में आ जाएगा ठीक है, रूट दो अपॉन v रूट साइन। इसके बाद देखो क्या होगा, अपन को क्या निकालना है, पहले v की वैल्यू देखो एक बार, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू अपन ने निकाली थी u e की पावर साइन ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रह गया सॉरी इसका स्क्वायर नहीं किया मैंने, तो ये मैं सोच रहा इसका स्क्वायर किया तो कितना बना v की पावर 4 साइन स्क्वायर, ये भी कितना बना v की पावर 4 साइन स्क्वायर ठीक है, ये कितना बन गया 2 v की पावर 4 वक्रता की जगह स्क्वायर, इसको बार बार साइन बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गलत हो रहा है इसलिए प्रोनाउंस, तो इसको करेंगे तो ये रूट दो, ये कितना v स्क्वायर और ये साइन बन गया ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, v निकाला अपन ने u e की पावर साइन, तो कितना हो गया v स्क्वायर रूट दो u स्क्वायर e की पावर 2 साइन, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन रूट का मतलब क्या है, डी साइन अपॉन डी एस, डी साइन अपॉन डी एस कैसे निकालेंगे, अपने पास एस दिया हुआ है स्टार्टिंग में इक्वेशन में, कितना एस बराबर सी टेन साइन, तो क्या अपन को मिल जाएगा डी एस अपॉन डी साइन, कितना मिलेगा यहां से सी टेन साइन का अवकलन सेक स्क्वायर साइन ठीक है, तो वन अप ये तो आ गया वक्रता त्रिज्या का मान सी सेक स्क्वायर साइन, तो वन अपॉन कितना हो जाएगा ये वाला, ये वैल्यू याद रख देंगे अपन इसकी जगह सी सेक स्क्वायर साइन, ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था, तो इसका त्वरण कितना आ जाएगा रूट टू यू स्क्वायर ई की पावर टू साइन अपॉन सी सेक स्क्वायर साइन, ये आपके दोनों टर्म्स प्रूफ हो चुके हैं, ले लीजिए ऐसा साहब इसका एक बार, देखिए अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सरल आवर्त गति, यानी सरल रेखा में जब सरल आवर्त गति होती है ना तो उस प्रकार किस तरह के उसके वेग और विस्थापन किस प्रकार निकाले जाते हैं, आवर्तकाल किस प्रकार निकाले जाते हैं वो उसमें बता रखा है ठीक है। देखो सबसे पहले सरल आवर्त गति की डेफिनेशन देख लो एक बार क्या होता है, त्वरण जो होता है ना वो दूरी के समानुपाती होता है, एक निश्चित बिंदु भी जरूर आएगा यहाँ पे, त्वरण है एक निश्चित बिंदु की दूरी के समानुपाती होता है ठीक है, और क्या होता है सदैव उस बिंदु की ओर अग्रसर होता है या दिष्ट होता है, ये इसकी सरल आवर्त गति की डेफिनेशन होती है कि एक तो निश्चित बिंदु की दूरी के समानुपाती होता है और क्या होता है सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट होता है ठीक है, ये होता है सरल आवर्त गति में ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल देते हैं एक बार, कोई रेखा है ए डैश ओ और ए ठीक है, ये रेखा है वो निश्चित बिंदु अपन मान लेते हैं ओ है ठीक है, T समय पर ये क्या है कि P बिंदु पर आ गया और X दूरी तय कर ली है इसने, तो OP बराबर कितना हो गया X हो गया। अब मान लेते हैं कि सरल आवर्त गति में क्या होता है कि वो कण वापस आएगा, तो वो जिस कंडीशन से वो वापस आ रहा है ना वो इस बिंदु से वापस आ रहा है वापस ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये वाली दूरी कितनी हो गई a हो गई, ये ऑटोमेटिकली a माइनस x हो गई और ये कितनी मानी थी अपन ने x मानी थी, तो ठीक है। अब सरल आवर्त गति की डेफिनेशन देखो, त्वरण क्या होता है निश्चित बिंदु की दूरी के समानुपाती होता है ठीक है, जैसे कि अगर अपन इसका निकाले ना अपन, तो किस तरह निकलेगा देखो, दूरी क्या है x, इन दोनों के बीच में गति की समीकरण क्या होगी, किस प्रकार निकलती है इस हिसाब से निकलती है दूरी के समानुपाती से, तो देखो क्या होगा त्वरण कितना हो जाएगा d2x dt2 समानुपाती किसके x के,
होगा समानुपाती, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे अपन, क्या लगेगा आगे, समानुपाती नियतांक माइनस का लगेगा क्योंकि दूरी कम हो रही है, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस, और म्यू क्या हो गया समाकल, वो ये समानुपात का नियतांक आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको चाहो तो आप इस प्रकार लिख लो, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो क्या, ये फॉर्मूला होता है इसका त्वरण का, एक और होता है माइनस के म्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ, वी डी वी बराबर माइनस के म्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। यहां से उसके बाद क्या होगा, देखो समाकलन करना है, जैसे समाकलन किया वी डी वी का कितना हो गया वी स्क्वायर बाय टू माइनस म्यू से कैसा एक्स स्क्वायर बाय टू, और इसको सी बाय टू ले लो ताकि वो कैंसिल हो जाए बाद में, ठीक है। ये हो गया वी स्क्वायर माइनस के म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। अब अपन को क्या करनी है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है सी की, किस तरह होगी देखो। अब केस फर्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं इसके अंदर, केस फर्स्ट ले रहे हैं अपन, जब वो कण क्या कर रहा है, यहां पे एक थोड़ा सा बना देता हूं डायग्राम बढ़ गया था, ए डैश ओ ए। केस फर्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे कि जब कण यहां से वापस आ रहा है, यानी कि कुछ दूरी तय करने के बाद वो वापस आ रहा है, ठीक है, तो जब वो यहां था तो उसकी दूरी कितनी थी a, यानी x बराबर कितना है a, और b कितना होगा जीरो, क्योंकि इस स्थिति पर वो विराम अवस्था में जाकर वापस आएगा, तो इस जगह क्या होगा b तो जीरो होगा, और x की दूरी कितनी हो जाएगी a हो जाएगी, ये यहां पुट कर देंगे अपन, b को क्या करेंगे जीरो हो गया, माइनस के म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू देखो कितनी है, c की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू a आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के म्यू प्लस का सॉरी प्लस का म्यू a स्क्वायर, ठीक है। c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहां रख दो, b स्क्वायर बराबर माइनस के म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। इसको जमाना चाहो तो आप इस प्रकार जमा लो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया ये अपन ने। इसके बाद देखो क्या करेंगे, v प्लस माइनस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेग लेना पड़ेगा अपन को माइनस में क्योंकि दूरी कम हो रही है वहां पे भी, वापस एक ही बिंदु पर आ रहा है वो, इसलिए माइनस में लेंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस के रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक ठीक है। इसके बाद की प्रोसेस देखो, v की वैल्यू dx by dt लिख सकते हैं अपन इसको, और इसको माइनस के रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर लो इनको, dt बराबर कितना हो गया सर dx माइनस के रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो यहां से, इंटीग्रेशन dt का कितना आया सर t आ गया, इसका देखो माइनस वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका क्या होता है कोस इनवर्स एक्स होता ही नहीं होता, होता है क्या कोस इनवर्स एक्स होता है इसका, तो इस हिसाब से इसका कितना हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, इस हिसाब से क्या हुआ सर कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना हो गया रूट म्यू टी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो एक्स अपॉन ए कितना हो गया कोस रूट म्यू टी, इंटीग्रेशन भी चल रहा है साथ में, सी वन मान लो, ये सी वन मान लो, ठीक है सी वन मान लेते हैं। अब क्या होगा सर देखो, एक्स बराबर ए कोस रूट म्यू टी प्लस सी वन,
यहां तक ऐसे सुन लो एक बार आप। अब देखो टी बराबर जीरो पर क्या होगा, एक्स बराबर जीरो है, विराम अवस्था में एक्स बराबर जीरो ही है ना, यहां से देख रहे हैं अपन इस वाली कंडीशन के लिए। ए डैश ए ओ इस वाली कंडीशन के लिए टी बराबर जीरो लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे टी बराबर जीरो लिखेंगे एक्स बराबर जीरो हो जाएगा कोस जीरो वन, तो ये ए हो जाएगा प्लस सी वन, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई देखो, टी बराबर जीरो पर कितना जाएगा सर, सी वन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के ए। अगर आपको निकालनी इसकी वैल्यू dx by dt कर लेते हैं पर एक काम करते हैं इसके लिए, ठीक है dx by dt करो एक बार कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो dx by dt निकालेंगे अपन a cos 2d mu t, सॉरी इसका तो अगला दूसरा होगा माइनस में होगा इसका, ठीक है। देखिए यहां से अब क्या करना है अपन को, t बराबर जीरो पर क्या है x बराबर जीरो, t बराबर क्या है, देखिए मैं थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने उसको क्या किया था कि जिसे मैं v निकाला dx by dt, इसके बाद जो इसको मैं इधर भेज के फिर कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, जबकि ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि वहां निकालने पर क्या हो रहा है कि a की वैल्यू कुछ और आ रही है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अपन को अगर समाकलन इसका किया है इसी के साथ रखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या है कि t बराबर जीरो पर क्या है x बराबर कितना है सर a है, यहां से देखो एक बार वापस a डैश o और a, t बराबर जीरो पर क्या है विराम अवस्था से चल रहा है ना वो, उधर से इधर आ रहा है, तब की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है देखो t बराबर जीरो पर x बराबर a, जिस दिन आप x बराबर a रखोगे यहां पर ये कितना बन जाएगा cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 का मान 0, जीरो टी बराबर जीरो तो सी वन की वैल्यू कितनी आएगी सर जीरो, तो उस हिसाब से फिर ये कितना बना टी बराबर वन अपॉन रूट म्यू कोस इनवर्स एक्स अपॉन है, या फिर कोस इनवर्स एक्स अपॉन है बराबर रूट म्यू टी, इसको उधर ले जाओ एक्स अपॉन है बराबर कोस रूट म्यू टी, या एक्स बराबर a cos root mu t, ये आ गया किसी समीकरण, एक समीकरण ये आ गया इसकी, ठीक है। दूसरी वाली दूसरे वाला केस देखते हैं अपन, दूसरा वाला केस देखते हैं, सॉरी केस सेकंड देखो। अब देखो अब केस क्या होगा कि इधर वाला है, पहले अपन क्या कर रहे थे कि विराम अवस्था से उसको इधर ला रहे थे, अब ये देखेंगे कि अपन जब कण इधर जा रहा है तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है कि d2x dt स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये p बिंदु मान लेते हैं अपन, वही x है आज ये भी a ही है, ये a माइनस x हो गई, तो d2x dt स्क्वायर कितना आया सर, डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल लिख लो x, तो ये कितना हो गया d2x dt स्क्वायर माइनस के रूट म्यू एक्स, ठीक है। ये कहानी वही है पहले जैसी, फिर उसके बाद क्या होगा इसको क्या लिख सकते हो आप, बी डी वी बाई डी एक्स माइनस के म्यू एक्स, ठीक है, बी डी वी ऐसा कैसा माइनस के म्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन करेंगे वापस, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इसका, तो और इसका कितना हो जाएगा माइनस के म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के सी वन मान लो, इसको सी वन बाई टू मान लो, तो कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर माइनस के म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट की वैल्यू पहले की तरह निकलेगी, वही अपन को क्या करना पड़ेगा बी बराबर जीरो रखना पड़ेगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो वही चीज आ जाएगी बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस के म्यू ए स्क्वायर, ठीक है, ये जीरो प्लस सी वन, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी सर म्यू ए स्क्वायर आ गई, तो बी स्क्वायर सी वन की वैल्यू रख दो यहाँ पे म्यू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर निकाला अपन ने म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, v
बी की वैल्यू निकालेंगे अपन, प्लस माइनस रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस बार प्लस वाली टर्म लेंगे अपन वेग के लिए, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि वेग पहले अपन क्या देख लिया कि वो विराम अवस्था से वापस इधर आ रहा है, वापस समझ लो कंफ्यूज हो गए हो तो, एक बार कण गया यहां से चलना स्टार्ट किया उसके बाद यहां गया, वहां विराम अवस्था में आया फिर वहां आया वापस वो बिंदु पर आया, क्योंकि इसी बिंदु की तरफ दृष्ट होता है वर्तमान, ठीक है। तो एक बार तो क्या किया अपन ने कि इधर से इधर गति करवा के देख ली, उसकी टर्म लगा दी, अब इधर से इधर जा रहे हैं वापस, उसके लिए क्या करेंगे वेग पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद वही कहानी यहां से v को क्या लिखेंगे dx by dt, जैसे dx by dt लिखा रूट म्यू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे वापस dt अलग जगह पे, dx यहां पे रूट म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो p बराबर इसका कितना जाएगा, अब माइनस नहीं है तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब जो पहले गलती कर दी थी अपन ने कि इसको उधर भेज दिया मैंने, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट ए ले लो सी टू और ए से वैल्यू निकाल लो उसकी, अब क्या होगा टी बराबर जीरो पर क्या होता है एक्स बराबर ए है, वही कंडीशन कंडीशन तो वही लगाएंगे अपन, जैसे लगाएंगे तो यहां पर कितना जाएगा देखो, अब क्या कर रहे हैं कि अपन इधर से इधर चल रहे हैं ना, तो टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर ए नहीं होगा जीरो होगा, लेकिन उस कंडीशन में टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर ए था, तो यहां पर जैसे अपन ने क्या रखा t बराबर 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स 0 अपॉन a प्लस c2, तो c2 की वैल्यू देखो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसकी c2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है 0 वैल्यू यहां रखो t बराबर 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स x अपॉन है c की वैल्यू 0 आई सी, तो साइन इनवर्स x अपॉन कितना हो गया रूट म्यू ट्यू t, x अपॉन कितना हो गया सर साइन रूट म्यू t, फिर x बराबर a साइन रूट म्यू t, ठीक है, ये आ गया जब जब गति कहां से कहां हो रही है इस तरफ हो रही है, ये उस केस के लिए है, तो मैंने आपको इस दिशा की ये गति की समीकरण विस्थापन इस प्रकार आ गया, आप इसका वो निकाल सकते हैं क्या करते हैं वेग निकाल सकते हैं dx by dt करके दोनों कंडीशन में, ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये कॉन्सेप्ट लगा रखा होगा इंग्रेशन वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी आपको, जब विराम अवस्था में आएगा कण फिर वापस आएगा फिर जाएगा, तो इस प्रकार से ये आपकी सरल और गति कंप्लीट है, ठीक है, इसके आगे एक और टॉपिक है वो नहीं पाएगा, तो यही तक अपन खत्म करते हैं इसको, धन्यवाद आप सबका, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।